नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित नीरज एक्सप्लेन्स पर, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है मेगन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी फ्यूचर की है, जब रोबोटिक खिलौने बहुत ही अच्छे हो गए। वो बच्चों से दोस्ती कर सकते हैं और उनसे बातें भी कर सकते हैं। सही मायनों में देखें तो वो बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। इसके बाद सीन आता है कैडी नाम की एक छोटी सी लड़की के ऊपर, जो अपने माता पिता के साथ कहीं जा रही होती है एक कार में। कार चलाते वक्त उसके पिता डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कैडी के माता पिता मौके पर ही मर जाते हैं, लेकिन छोटी सी लड़की किसी तरह बच जाती है। दूसरी ओर जेमा को दिखाया जाता है, जो एक टेक्निकल स्पेशलिस्ट है एक खिलौने की कंपनी में। जेमा अपने दोस्तों टेस और कोल के साथ मिलकर बच्चों के लिए एक रोबोटिक खिलौना बना रही होती है, जिसका नाम होता है मेगन। और ये एक साइड प्रोजेक्ट है, यानी इसे कंपनी से सीक्रेट रखा गया है। जेमा उम्मीद करती है कि मेगन एक बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट होगी, जो बच्चों के साथ खेलने और उनके इमोशंस को समझने में सक्षम होगी और यहां तक कि उनकी देखभाल भी कर सकेगी। एक दिन जेमा अपने दोस्तों के साथ खिलौने पर काम करने पर बिजी रहती है, तभी उनका घमंडी बॉस डेविड अचानक से उनके रूम में पहुंच जाता है और मेगन को देख लेता है। इसके बाद वो जेमा पर चिल्लाने लगता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट उससे छुपाया क्यों गया। अपने बचाव में जेमा कहती है कि मेगन जैसा खिलौना जल्द ही बाजार पर राज करने लगेगा। जेमा मेगन से डेविड को हाई करने के लिए कहती है, मगर मेगन उड़ जाती है। यहां मैं पक्षियों की तरह उड़ने की बात नहीं कर रहा, सैमसंग के फोन की तरह उड़ने की बात कर रहा हूं। डेविड इस पर बहुत ही नाराज होता है और जेमा को कहता है कि साइड प्रोजेक्ट को बंद करे और अपने काम पे ध्यान दे। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेमा घर वापस जाने को तैयार हो रही है, मगर अचानक से उसे पता चलता है कि उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया, तो वो हॉस्पिटल जाती है और वहां अपनी भतीजी को सीरियस हालात में देखती है। पता चलता है कि यह छोटी सी लड़की कोई और नहीं बल्कि कैडी है। कुछ दिनों के उपचार के बाद कैडी को छुट्टी दे दी जाती है और वो घर जाने के लिए फिट हो जाती है। इसके बाद जेमा उसकी देखभाल करती है। जेमा कैडी को घर ले जाती है और जेमा के घर में बहुत सारे एआई रोबोट होते हैं। उनमें से एक जेमा से आकर बात करने लगता है, जिसे कैडी देखकर डर जाती है। इसके कारण जेमा को घर में पड़े सारे रोबोट्स को बंद करना पड़ता है। अगली सुबह कैडी को चाइल्ड थेरेपिस्ट के पास ले जाया जाता है, जिसका नाम है लिडिया। लिडिया घर का निरीक्षण करती है और कहती है कि एआई रोबोट्स कैडी के लिए अच्छे नहीं है। उसी रात जेमा मेगन पे काम करने में बिजी होती है और कैडी अचानक से उसके रूम में आ जाती है। जेमा को काम करते हुए कैडी देखती है और कहती है कि ये क्या बना रही हो। तो कैडी बोलती है कि वो खिलौना बना रही है जो बच्चों के साथ बातचीत कर सकता है। कैडी को यह बहुत पसंद आता है और वो हर रोज जेमा से और ज्यादा इंटरेक्ट करने लगती है। इसके बाद जेमा कैडी को अपने कॉलेज प्रोजेक्ट का एक खिलौना दिखाती है, जिसका नाम होता है ब्रूस। कैडी ब्रूस को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि ब्रूस जैसा खिलौना अगर उसके पास होता तो वो कभी भी दोस्तों की तलाश नहीं करती। इससे जेमा का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो मेगन पर बहुत मेहनत करने लगती है। जल्द ही मेगन बनकर तैयार हो जाती है और एक्सपेरिमेंट के लिए जेमा कैडी और मेगन को एक कमरे में रखती है और डेविड बाहर से उनका निरीक्षण कर रहा होता है। कैडी और मेगन की बातचीत देखकर ऐसा लगता है कि मेगन जैसे इंसान ही हो। कैडी थोड़ी डरी हुई होती है, लेकिन जब मेगन उससे बातचीत करना शुरू करती है तो वो शांत हो जाती है। एआई रोबोट कुछ ही मिनटों में लगभग उसका सटीक स्केच भी बना देती है। इससे कैडी बहुत ही खुश होती है और डेविड, जो बाहर से सब कुछ देख रहा होता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। वो जेमा को उसकी सफलता के लिए बधाई देता है और जल्द ही बाजार में मेगन जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की बात करना शुरू कर देता है। इसके बाद जेमा रोबोट और कैडी दोनों को घर ले जाती है, ये मानते हुए कि वो सुरक्षित है। एक दिन जेमा और उनकी टीम मेगन को अपनी लैब में अपग्रेड करने की कोशिश कर रही होती है। अचानक से मेगन ऑन हो जाती है खुद ब खुद और लोगों से बात करने लगती है। जेमा मेगन को स्लीप मोड में जाने को कहती है, मगर मेगन इस बात को मानने से इनकार कर देती है। मेगन कहती है कि वो केवल कैडी की बात ही सुनेगी और किसी की नहीं।
तो जेमा जबरदस्ती मेगन को ऑफ करती है और फिर अपग्रेड कर देती है। अगली सुबह मेगन उठती है और सोचने लगती है कि उसके वास्तविक अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। क्या वो कैडी की रक्षा करने के लिए है या और किसी बड़े कारण के लिए। मेगन के अंदर धीरे धीरे इमोशंस जागने लगते हैं। एक दिन जब वो अब कैडी के साथ बगीचे में खेल रही होती है तो उनकी गेंद गलती से पड़ोसी के घर में घुस जाती है। मेगन उसे वापस लाने की कोशिश करती है मगर पड़ोसी का डरावना कुत्ता उसे काटकर अपनी तरफ खींचने लगता है। बाद में कैडी उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन कैडी को भी वो कुत्ता काट लेता है। जेमा उस वक्त पर आती है और लड़कियों को बचाती है। वो फिर पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी औरत को डांटती भी है लेकिन वह बूढ़ी औरत इसके बजाय जेमा पर ही सवाल उठाने लगती है कि वो बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर रही। मेगन उस समय उस बूढ़ी औरत को गुस्से से देखती है। ऐसा साफ है कि वो बदला लेना चाहती है। उसी रात मेगन उस बूढ़ी औरत के कुत्ते को बड़ी बेरहमी से मार डालती है और उसकी लाश को ठिकाने लगा देती है। इसके बाद के सीन में जेमा की कंपनी मेगन को दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने जा रही होती है। कैडी भी इस शो का हिस्सा होती है क्योंकि वह अकेली ऐसी इंसान है जो रोबोट को नियंत्रित कर सकती है। जल्द ही कार्यक्रम शुरू होता है और दोनों लड़कियों को एक कमरे के अंदर रखा जाता है। कैडी अचानक से रोना शुरू कर देती है और मेगन से कहती है कि वो अभी भी अपने माता पिता की मौत से उबर नहीं पाई। उसे खुश करने के लिए एआई रोबोट उसके लिए एक लोरी गाती है। ये सब देखकर जो लोग इस रोबोट को देखने के लिए आए थे वो बहुत ही प्रभावित होते हैं और इस मेगन की परियोजना में बड़ा निवेश करना चाहते हैं। हालांकि ये प्रदर्शन एक सफलता साबित हुआ मगर जेमा परेशान होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैडी ने कभी भी उसके साथ कुछ भी साझा नहीं किया और इसके बजाय उसने एआई रोबोट को चुना। अगले दिन जेमा कैडी और मेगन को एक रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाती है और वहां बहुत सारे बच्चे होते हैं। जेमा कैडी को कहती है कि दूसरे बच्चों के साथ खेले लेकिन वो सिर्फ मेगन के साथ रहना चाहती है। कुछ देर बाद जेमा खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है। ब्रेंडन नाम का एक लड़का कैडी को जंगल में ले जाता है और उसे फालतू में पीटना शुरू कर देता है। मेगन सब कुछ देख रही होती है। वो वहां पहुंचती है। उसे देखकर ब्रेंडन डर जाता है लेकिन जब कैडी कहती है कि वो सिर्फ एक खिलौना है तो वो शांत हो जाता है। मगर वो मेगन को उठा लेता है और उसे एक सामान्य गुड़िया समझकर उसे भी मारने लगता है। थोड़ी देर बाद जब कोई नहीं देख रहा होता है तो मेगन अचानक से उठती है और ब्रेंडन का कान उखाड़कर फेंक देती है। ब्रेंडन ने अपना सबक सीख लिया है और वो भाग रहा होता है और मेगन उसके पीछे होती है। वो उसका पीछा ऐसे कर रही होती है जैसे कि कोई कुत्ता उसे दौड़ा रहा हो। जब ब्रेंडन वो देखता है तो वो और भी डर जाता है और अचानक से वो रोड पर पहुंचता है। रोड पर आ रही एक लॉरी उसे टक्कर मार देती है और वो वहीं मर जाता है। मेगन उसकी लाश को देखती है और मुस्कुरा कर वहां से चले जाती है। कुछ ही समय बाद ब्रेंडन की लाश का पता लग जाता है और लोग देखने के लिए चले आते हैं। लेकिन जेमा को मेगन के ऊपर शक हो जाता है। जेमा अपने रूम में जाती है और कंप्यूटर में चेक करने लगती है कि मेगन की आंखों से क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह होती है कि जितनी भी रिकॉर्डिंग्स मेगन की आंखों के द्वारा हुई है वो सारी करप्ट हो चुकी हैं, यानी जेमा कुछ भी नहीं देख सकती। अचानक से मेगन जेमा के रूम में आती है और इससे जेमा डर जाती है। मेगन पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है तो जेमा उत्तर देती है हाँ सब कुछ ठीक है। और इस समय जेमा को पता चल जाता है कि जेमा जानलेवा रोबोट है जो कैडी की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए मेगन एक विशेष पेन का उपयोग करके मेगन को बंद कर देती है और अपने लैब ले जाती है। अगले सीन में जेमा के दोस्त टेस और कोल को दिखाया जाता है जो जेमा की बात पर विश्वास नहीं करते मगर फिर भी मेगन को अपडेट करने को तैयार हो जाते हैं। अपडेट करने की प्रक्रिया के दौरान अचानक से मेगन उठती है और लोगों से बात करने लगती है। कोल ये सब देखता है और मेगन को जाकर अनप्लग करने लगता है मगर अचानक से मेगन उसे मारती है और उसके गले में तार बांधकर उसे लटकाकर चली जाती है। टेस किसी तरह कोल को बचाती है और मेगन अपनी घर की ओर भाग जाती है। उसी रात जब कैडी और जेमा अपने घर पर सो रहे होते हैं तो जेमा को पियानो बजाने की आवाज आती है। जेमा यह चेक करने जाती है कि पियानो कौन बजा रहा है
और पता चलता है कि मेगन पियानो बजा रही थी। मेगन जेमा की ओर देखती है और उस पर कूद पड़ती है उसे मारने के लिए। तनातनी में जेमा मेगन के चेहरे की चमड़ी खींच लेती है और मेगन बिल्कुल भूत की तरह दिखाई देने लगती है। इतने में कैडी कमरे में आ जाती है और वो मेगन का चेहरा देखकर डर जाती है, लेकिन मेगन जेमा को मार रही होती है, इसलिए कैडी एक छड़ी उठाती है और मेगन को पीछे से मारने लगती है। मेगन कैडी को धोखेबाज मानती है और वो फिर कैडी को मारने की कोशिश करने लगती है। इससे जेमा को मौका मिल जाता है और वो मेगन को उठाकर फेंक देती है और फिर उसके चेहरे को उखाड़कर हटा देती है। चेहरा उखाड़ने के बाद चेहरे के अंदर मौजूद प्रोसेसर दिखाई पड़ता है और जेमा उस प्रोसेसर को उड़ा देती है और कहानी का अंत हो जाता है। मगर कहानी का अंत होने के कुछ ही देर बाद ये दिखाई पड़ता है कि जेमा के घर के जितने भी डिवाइस हैं अचानक से खुद ब खुद चालू हो जाते हैं, यानी मेगन ने अपने आप को उन सभी चीजों में अपलोड कर दिया और इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, क्योंकि पता नहीं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स के दिमाग में क्या चलता है कि वो खिलौनों को भी डरावनी बना देते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।